हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे फाइव बेस्ट क्रीम जो विंटर में आपको नरिशमेंट देने के साथ साथ आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइजर को लॉक करने के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाएगी और नॉन ग्रीसी बनाएगी। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने स्किन केयर रूटीन को चेंज करने की। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप सीरम गर्मियों में यूज करते आए हैं, जो भी मॉइस्चराइजर आप गर्मियों में यूज करते आए हैं, आपको सर्दियों में उसे चेंज करना है, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन जैसी भी हो, चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, जो भी उसको क्रीम प्रोवाइड की जाती है वो इस तरह की होती है कि आपका चेहरा जो है उसमें ज्यादा ऑयल ना हो, आपका स्किन जो है थोड़ा ड्राई ड्राई लगे। लेकिन जब आपकी स्किन ऑयली है चाहे ड्राई है चाहे सेंसिटिव है, जब आप विंटर्स में आ जाते हो, तो आपकी जो भी आप क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करते हो उसमें ऐसा कंटेंट होना बहुत जरूरी है जो आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर को लॉक करने के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाए और ड्राइनेस आपकी स्किन पे बिल्कुल ना आए। इसलिए जल्दी से अगर आपने अपनी क्रीम या मॉइस्चराइजर चेंज नहीं किया है तो उसे चेंज कर दें। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइव बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम जो आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। आपकी स्किन का जो अपना मॉइस्चराइजर होता है उसे लॉक करने में आपकी बहुत हद तक हेल्प करेगी। ये नॉन ग्रीसी है, इसे लगाने से आपको बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील नहीं होती। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस, जो सबसे पहले मैं आपके साथ क्रीम शेयर करने वाली हूँ दैट इज बायोटिक। बायोटिक एक जाना माना ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो आयुर्वेदिक होता है। इसमें शिया बटर डाला गया है, इसमें कोकोनट डाला गया है, इसमें आलमंड्स डाले गए हैं, जो हमारी स्किन पे होने वाली झाइयों से, हमारी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन पे काले दाग धब्बे पड़ गए हैं, हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो दूर हो गया है, उसको लॉक करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये हर स्किन टाइप के लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके रेट की बात करेंगे तो ये 50 ग्राम आता है 199 रुपीज में, जस्ट 199 रुपीज में। तो ये एक पॉकेट फ्रेंडली फॉर्मूला है, डब्बी अच्छी खासी है, आपके आराम से जो है वो 2 महीने निकल जाते हैं। बात करते हैं माय फेवरेट ब्रांड। आपको पता है चाहे फेस वॉश की बात आए चाहे मॉइस्चराइजर की बात आए, मेरा भरोसा होता है अरोमा मैजिक। अरोमा मैजिक में भंडार पड़ा है, इनकी क्रीम्स में भी भंडार पड़ा है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरोमा मैजिक की दिस वन क्रीम। ये विटामिन सी इसमें भरपूर है, इसमें पोमेग्रेनेट का जूस डाला गया है जो हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। जो भी हमारी स्किन पे फाइन लाइंस आती हैं, रिंकल्स आती हैं, उनको दूर करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन सी हर पर्पज से, विटामिन सी के तो आजकल दुनिया दीवानी हो चुकी है ना, हर इंग्रेडिएंट ले लीजिए या कोई भी क्रीम ले लीजिए, मॉइस्चराइजर ले लीजिए, फेस वॉश ले लीजिए, उसमें विटामिन सी डाला जाता है। तो अरोमा मैजिक की ये वाली क्रीम गुणों की खान है। आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिंपल्स के निशान हैं, तो ये वाली क्रीम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है, आपको बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं देगी, बहुत ही अच्छा सा रेडियंट सा ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। इसके साथ साथ ही इसमें डाला गया है शिया बटर। शिया बटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नरिशमेंट। इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है जो हमारी स्किन को एकदम खुली सी नमी प्रदान तो करता ही करता है, हमारी स्किन के अंदर नमी को लॉक करके रखता है ताकि हमारी स्किन जो है वो अंदर से रिपेयर हो। इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 50 ग्राम आपको मिलेगा 375 रुपीज में, लेकिन इनकी डब्बी जो है वो अच्छी खासी है, 2 महीने अच्छी खासी चलेगी, 20-30 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्किन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने में भी आपकी हेल्प करेगा और आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देगा। अरोमा मैजिक इज बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की। हिमालय में भी बहुत सारी क्रीम्स हैं जो आप विंटर्स में यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो क्रीम है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ये हिमालय की ब्राइटनिंग क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये आपकी कम्प्लेक्शन को सुधारने में आपकी हेल्प करती है अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल है। कुछ लोग होते हैं जिनकी सर्दियों में स्किन जो है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, गर्मियों में उनकी स्किन अच्छी खासी होती है, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारी स्किन जो है ना वो डल होनी शुरू हो गई है, अंडरटोन होनी शुरू हो गई है। उसका मेन रीजन ये होता है कि हम अपनी स्किन के लिए अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर पाते या हमें पता ही नहीं होता कौन सा ले, तो हम ऐसा ले लेते हैं जो हमारी स्किन को और डल करता है। तो उन लोगों के लिए ये जो वाली क्रीम जो है वो बेस्ट है। इसमें सारी ऐसी प्रॉपर्टीज डाली गई हैं जो आपकी स्किन को एक वाइटनेस देगी, आपका ग्लो बरकरार रखेंगी, आपकी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो है वो भी देंगी। इसके रेट की बात करें तो ये 50 ग्राम आपको पड़ेगा 270 रुपीज में। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है तो आप इसे जरूर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में ऐसी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट गाइस, सबका फेवरेट जोविस। जोविस की मेन जो खासियत है ये देसी नुस्खों पे है, आयुर्वेदा को नंबर वन प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। इनके जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जोविस की सैंडलवुड।
सैंडलवुड एक ऐसी औषधि है जो आपकी स्किन पे होने वाली हर प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाती है। उसके साथ साथ जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनके लिए सैंडलवुड वरदान होता है। तो ये वाली क्रीम सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ऑयली वाले, ड्राई स्किन वाले सब लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को साफ सुथरा करने में, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देने में आपकी जैसे ही हेल्प करेगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन को नरिश भी करेगी। ये रेट की बात करें तो ये 50 ग्राम आती है ₹345 में, थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को सूदिंग भी करेंगे, आपकी स्किन को ठंड भी प्रदान करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी ना सर्दियों में स्किन ऐसी होती है, कुछ भी लगाते हैं ना उनपे रेडिश हो जाती है, तो वो जो है रेडिश होने से बचाएगी आपको जोवीज की 10 वन, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट O3 प्लस, आजकल O3 का जमाना है ना, बहुत फेमस है। अगर ब्राइडल भी है तो वो फेशियल कौन सा करवाना चाहती है, O3। कोई फंक्शन आ गया तो हम लोग कौन सा फेशियल करवाना चाहते हैं, O3। जितना इनका नाम है ना ये उतने ही गुणकारी भी हैं। O3 प्लस की दिस वन क्रीम इज मॉइस्चराइजर आपको प्रदान करेगी, ये आपको ग्लो भी देगी, और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि चाहे आप ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे ड्राई स्किन वाले हैं, चाहे सेंसिटिव स्किन वाले हैं, ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए काम करेगी। हाँ ये थोड़ी कॉस्टली होती है बाकी क्रीम से, लेकिन अगर आपकी पॉकेट गवारा करती है तो ये वाली क्रीम को सर्दियों में जगह जरूर दें अपने स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। और ये डे क्रीम है, जितनी भी मैंने आपके साथ क्रीम शेयर की है वो डे क्रीम है, इसे एज अ नाइट क्रीम बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि इन पांचों में जो है थोड़ा बहुत SPF डाला गया है, तो SPF को चेहरे पे लगा के रात को बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, वो हमारी स्किन को खराब कर सकता है। अगर वो डे टाइम सन से हमें बचाता है तो रात को हमें खराब कर सकता है। दैट्स वाई ये कोई भी डे क्रीम आपको नाइट में यूज नहीं करनी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सत श्री अकाल।